तो मेरी मम्मी ना यहाँ पे रो रही है, देखना मम्मी मम्मी ना ऐसी रोती है। दादी ठीक चिता हुआ कि मम्मी ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, और मैं खुद भी ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। 3-4 दिन रहते हैं और मम्मी की आदत अगस्त मुनि संगीतालय में, और यहीं से मैंने संगीत कर रखा है। तो गुरुजी अच्छा, तो गुरुजी बहुत सारे लोगों को संगीत सिखाते हैं ना, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो सीखने आता है उसी को सिखाते हैं भाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री केदार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सृष्टि नेगी पाड़ी स्टाइल। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त और खुश हूँ, दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। अभी एक खूबसूरत दिन की शुरुआत भी हो चुकी है, और खूबसूरत से दिन की शुरुआत हो रही है केदार घाटी से। बाकी मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ 10 बजे से, और मैं आज रेडी हो गई हूँ। आज मैं जा रही हूँ अगस्त मुनि। वैसे हमारी ठंडिया की छुट्टियाँ 25 तक पड़ रखी थी, लेकिन अभी आपने मेरे इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा जिसमें मैंने फॉर्म भरा था किसी चीज़ का, आगे आपको पता चल जाएगा। मैं जा रही हूँ कई ट्रेनिंग में, तो कल हमको फ़ोन आ गया था कि आपकी ट्रेनिंग है इतने इतने डेट को, तो आपको आना होगा। तो ट्रेनिंग के लिए जाना है तो पहले मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा अगस्त मुनि। बाकी कपड़े वगैरह सब रखने होंगे ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि ठंड भी वहाँ बहुत ज़्यादा है। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। तो मेरी मम्मी ना यहाँ पे रो रही है, देखना मम्मी मम्मी ना ऐसी रोती है, होता है। और 5-6 दिन के लिए आते ना तो मम्मी की आदत खराब करके चले जाती है ना मम्मी। अभी मम्मी रो रही है तो बनता भी है, तो अब चलेंगे, जल्दी से ब्रेकफास्ट करती हूँ। दादी ठीक चिता हुआ, ठीक चिता, बाय बाय। हाँ, और मुझे छोड़ने के लिए आंटी भी यहाँ पे आ रखी है, और मम्मी भी यहाँ पे आ रखी है। बाय बाय। तो जी दोस्तों, अभी थोड़ा सा आगे पर भी पहुँच गई। बाकी मम्मी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और मैं खुद भी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। मैं और भैया भी जाते ना तो मम्मी ऐसी रो लेती सच में। 3-4 दिन रहते हैं और मम्मी की आदत खराब कर लेते हैं, सारे काम सब एक साथ रहते हैं घर में, बहुत ज़्यादा बाहुबल होते हैं। घर से जाना फिर वहाँ रहते तो वही के माहौल में ढल जाते हैं, लेकिन बहुत गंदा लगता है मुझे जब मम्मी रोती है इस तरह से। और आज मेरे भी बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं, क्योंकि इस बार की छुट्टियाँ ना बहुत ज़्यादा रही, मैं 14-15 दिन। आई कॉन्ट डिस्क्राइब दिस फीलिंग। और मम्मी कह रही कि मुझे कह रहे मत कर मत कर, इतना ज़्यादा रो रही थी। खुद भी रोती है और हमको भी रुला देती है। बाकी मैं इतना कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ ना, तब भी मेरे आंसू निकल ही जाते हैं मम्मी के सामने। बहुत बुरा लगता है जब घर से जाते हैं, आदत रह जाती है घर पर सब कुछ, मम्मी खाना पीना सब कुछ बना के देती है, और फिर जब रूम पे जाती है ना अकेला होती तो मेरे बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं हर एक बात पर ना, इमोशनल सी हो जाती हूँ। कभी मेरे टीचर्स की याद आ जाती या फिर मेरे दोस्तों का कॉल आता है ना, तो मैं ऐसी छोटी छोटी बातों पर रोती रहती हूँ रोती रहती हूँ। सबको कहती हूँ कि मैं स्ट्रांग बनो स्ट्रांग बनो, और लगती मैं इतनी स्ट्रांग होगी, हाँ मैं स्ट्रांग होगी, लेकिन मैं सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हूँ। जब भी मुझे किसी टीचर की याद आती, अभी तक भी टीचर्स की याद आती, छोटे छोटे बच्चों की याद आती, मम्मी की आती, हमारे जो आंटी है कान्हा की याद आती, तो छोटी छोटी बातों पर ना आंसू से आ जाते हैं रूम पर अकेले रहते रहते। सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल सी हूँ मैं। तो चलती हूँ अब, मार्केट में मुझे गाड़ी मिलेगी, गुप्तकाशी मार्केट मुझे यहाँ से जाना होगा। साइड ये आश्रम देख रहे होंगे, जब भी हम नाला से गुप्तकाशी जाते हैं तो बीच में ये आश्रम पड़ता है, और ये है विद्याधाम आश्रम। तो ये वाला आश्रम है ना, यहाँ पे दूर दूर के बच्चे विद्या सीखने के लिए आते हैं, इंदौर से हो गया, और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तो दोस्तों आप इधर साइड देख रहे होंगे तो ये है टूरिस्ट रेस्ट हाउस, शायद यहाँ पे कल शादी थी इसलिए टेंट वगैरह लग रखे हैं। जी दोस्तों, अभी मार्केट में ही पहुँच गई हूँ, बाकी मुझे गाड़ी मिल गई है और मैंने बैग रख लिया है, सवारी तो अभी भी नहीं। बाकी इधर साइड वाली लगी रहती है अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग के लिए गाड़ी। तो जी दोस्तों,
तो अभी गंगानगर में भी पहुंच गई हूँ मैं आई बस से, क्योंकि गाड़ी में ना सवारी हुए ही नहीं थे और पता नहीं 2-3 घंटे तक रुकी रहती तो बस तो लगी हुई थी, इसमें बस में ही बैठ गई। बाकी सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरा, अजीब सा हो रहा है आज, वैसे ही घर का दुख और वैसे ही गाड़ी का सर दर्द। तो अब चलती हूँ घर पे। जी दोस्तों रूम पर पहुंच गई हूँ। बाकी रूम में तो ऐसे हो रखा है ना, क्योंकि आजकल यहाँ करी बिजली वगैरह की फिटिंग और सारा रूम ऐसे, इधर चटाई वगैरह सब बिछाती हूँ और सफाई करती हूँ, मेरा ना सर दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अभी जल्दी से सफाई करती हूँ और मिलती हूँ आपको। तो जी दोस्तों अभी मैंने रूम की सफाई वगैरह भी कर ली है, सब कुछ सारे कपड़े बाहर डाले ना जिन पर धूल वगैरह लग रखी थी अंदर पे। बाकी कमरा खिड़की मैंने खुला छोड़ रखी थी ताकि अंदर रूम में बदबू ना आए। और अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 12:18 और आंटी जी ने ना मुझे खाना दिया, दिखाती हूँ मैं आपको। मकान मालिक है ना आंटी जी, उन्होंने मुझे चावल भी दे ली है, सब्जी भी दे ली और दाल भी दे ली, बोल रहे कि मैंने बना रखा था। आंटी जी ने तो ना काफ़ी टेस्टी खाना बना रखा है। बाकी सच में मुझे भी ना बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी और आंटी जी ने कहा कि मैंने बना रखा है तो खा ले। जी दोस्तों अभी मैंने लंच वगैरह भी कर दिया है। बाकी यहाँ पे ना सुनसान सा माहौल हो रखा है, ना इधर के पड़ोसी हैं, ना इधर के पड़ोसी और ना इधर के पड़ोसी है। बाकी मुझे हिचकी आ रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है, सबसे हिचकी आ रही है, आ रही है, आ रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा। बाकी मैंने यहाँ पे रख रखा है पानी गर्म करने के लिए, जल्दी से नहाती हूँ और आज तो मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। कल तक ऐसा होता था ना इधर उधर पड़ोसी वगैरह रहते तो थोड़ा सा भी सहारा हो ही जाता है कि बगल अगल बगल में है, लेकिन आज तो सिर्फ मैं ही रहूँगी यहाँ पे। तो कल की तैयारी भी करनी है मुझे, अब जल्दी जल्दी से नहाती हूँ। आज की मौसम की बात करें ना, मौसम धूप हल्की हल्की सी है, मतलब तेज वाली धूप नहीं है, चलते हैं। तो जी दोस्तों अभी नहा के मैं छत में भी आ गई हूँ। बाकी आज के मौसम की बात करें ना, हल्की हल्की सी धूप है और अब छत पर रह के बाल सुखाती हूँ। जी दोस्तों अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मेरी तैयारी हो गई है मार्केट जाने के लिए। मार्केट से कुछ सामान वगैरह भी लाना है, सब्जी, और कल के लिए कुछ शॉपिंग भी करनी है। तो चलती हूँ अब जल्दी से, बाकी मौसम भी ऐसे ही है। बाकी हमारे कॉलेज में ना आजकल वॉलीबॉल मैच चल रहे हैं, इधर साइड ये रहा कॉलेज का ग्राउंड, बाकी यहाँ पे चल रहे हैं मैच और शायद अभी मैच हो गए हैं। दोस्तों अभी मैं पहुँच गई हूँ अगस्त मुनि संगीतालय में और यहीं से मैंने संगीत कर रखा है। तो गुरुजी अब अंदर बताती हूँ क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे हम ना हमेशा आते थे जब मैंने म्यूज़िक करा था। ये रहे हमारे गुरुजी, बाकी यहाँ पे है हारमोनी। गुरुजी और कहाँ गए आजकल? सामान सब है वहाँ, वीडा या सब रख रखी है वो उस अलमारी में, तबले हैं। अच्छा, वो वहाँ तानपुरा है जहाँ ऊपर बीना है। हाँ हाँ, इधर से वायलिन इधर रखा हुआ है यहाँ पर ये। अच्छा, और क्या बोलते हैं बांसुरी उधर रखी हुए हैं, क्लार्नेट वहाँ अलमारी के अंदर है। हाँ। अच्छा, तो गुरुजी बहुत सारे लोगों को संगीत सिखाते हैं ना? बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो सीखने आता है उसी को। हाँ। सिखाते हैं भाई, बहुत सारों को कहते हैं मेला थोड़ी हो रहा है, जो जो आएगा मदारी का खेल दिखाएंगे। जो जो आएगा वीडियो बना रही है। हाँ। चलो जी दोस्तों अभी घर पर भी पहुंच गई हूँ मार्केट के सारे काम निपटा के। बाकी यहाँ पे देखो सारे कपड़ों की ना ढेर ऐसी लगा रखी है, क्योंकि अभी मुझे करनी है पैकिंग कल के लिए। तो अब जल्दी से कल के लिए पैकिंग करती हूँ ना, इधर उधर सुनसान सा माहौल हो रखे है। तो अपने रूम के अंदर कुंडी लगा ली है और कपड़े की पैकिंग करती हूँ आराम से, उसके बाद बनाऊंगी खाना। और फेस ना पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा चमक रहा है लाइट की वजह से, एकदम वाइट दिखाई दे रहा है। तो चलो जी जल्दी से पैकिंग करते हैं। दोस्तों अभी मैंने बैग पैक भी कर ले हैं, मैंने करे हैं 2 बैग पैक, एक अपना कंधे वाला ऐसे पीठ वाला जिसको बोलते हैं, और साथ में एक हैंड बैग तैयार कर रखे हैं। क्योंकि ना ठंडियों में कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं रखने के लिए, गर्मियों का टाइम तो है नहीं कि बस 1-2 शर्ट रखती, ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मोटे मोटे जैकेट रख रहे हैं। तो बैग वैसे ही ऑलरेडी फुल हो गया, इसलिए मुझे 2 बैग रखने पड़ रहे हैं, एक आप यहाँ पे देख रहे वाला और एक ये। बाकी सामान वगैरह ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। अभी मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना जब मैं गुप्तकाशी में थी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनाया है, अभी मैं आपको बताऊँगी। दोस्तों जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ना, ये मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम बनाया, और इसमें नेम ऑफ द कैंडिडेट है, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, एब्डोमेन, चेस्ट, आई, एयर, थ्रॉट, लोकोमोटरी सिस्टम, स्टेट ऑफ वैक्सीनेशन, स्किन, तो इसमें ना सब कुछ रहती है, ब्लड रिपोर्ट वगैरह की क्या है कि हैंडीकैप तो नहीं है या फिर ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मींस ही और सी इज़ एबल टू गो। बाकी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ही फर्स्ट टाइम बनाया और ये मैंने गुप्तकाशी में ही बनाया क्योंकि मैं वहाँ थी, और अगस्त मुनि के बारे में तो मुझे ज़्यादा पता है भी नहीं, भले मेरे संपर्क में तो हैं डॉक्टर साहब जी, फिर मैंने वहीं से ही बना लिया था गुप्तकाशी से। तो मेडिकल फिटनेस रखना है साथ में, और उन्होंने डॉक्यूमेंट के लिए भी बोल रखा है, तो डॉक्यूमेंट भी मैंने रख लिए हैं।
बाकी अब जल्दी से जो ये बिखरा हुआ सामान है ना तो जल्दी से समेट के ना ढंग से रखती हूँ और मॉर्निंग में निकलना है सुबह 5-6 बजे। दोस्तों तो आज ना मुझे अजीब सा भी लग रहा है, सुबह से मैंने मम्मी को ना 6-7 बार शायद कॉल करती है, क्योंकि अजीब सा मतलब कल तक ऐसे थे साथ में थे, खाना बना रही थी, गप्पे वप्पे लग रही थी, और आज थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है और इधर उधर है नहीं तो और ही सुनसान हो रखे हैं। बाकी ऐसे डर वर की कोई दिक्कत नहीं है, डर वगैरह तो नहीं लगता है। तो अब जल्दी से इसकी पैकिंग करती हूँ और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल आपको सफ़र देखने के लिए मिलेगा और फर्स्ट टाइम मैं भी जाने वाली हूँ वहाँ, और आई होप इंजॉय करोगे। बाकी आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मैं सृष्टि नेगी मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री केदार।